राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है विनिर्माण उद्योग। औद्योगिक विकास को आर्थिक विकास के स्तर को नापने के लिए मापदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। संसार के सभी विकसित देशों में औद्योगिक क्षेत्र अत्यंत विकसित और विविधीकृत होता है। भारत में औद्योगिक विकास के लिए सभी आवश्यक दशाएं विद्यमान हैं। विशाल और विविध प्राकृतिक संसाधनों के साथ इसकी विशाल जनसंख्या सस्ते श्रमिक सुलभ कराती है तथा निर्मित वस्तुओं की खपत के लिए विशाल बाजार भी प्रदान करती हैं। यूरोप में औद्योगिक क्रांति से पूर्व भारत औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश था। भारतीय उद्योग कृषि के साथ एकीकृत थे तथा घरेलू उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग थे। भारतीय दस्तकार और कारीगर कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बांस के उपकरण, आभूषण तथा धातुओं की वस्तुएं बनाना जानते थे। वे लकड़ी और चमड़े की वस्तुएं भी बनाते थे। भारत जलयान निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजारों को ब्रिटेन के कारखानों में बनी कम कीमत की वस्तुओं से पाट दिया गया। भारतीय हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों में बनी वस्तुएं कारखानों में बनी वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर पाई और इस प्रकार देश के घरेलू उद्योग नष्ट हो गए। स्वतंत्रता पूर्व का औद्योगिक विकास। भारत में औद्योगीकरण की शुरुआत सन 1854 में मुख्यतः भारतीय पूंजी और उद्यम से मुंबई अर्थात बंबई में सूती वस्त्र बनाने की कारखाने की स्थापना से हुई। पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा में स्कॉटिश पूंजी और प्रबंध से लगाई गई थी। कोयले का खनन भी लगभग उसी समय शुरू हुआ। इसके बाद कागज के कारखाने और रासायनिक उद्योग भी शुरू किए गए। सन 1875 में कुल्टी में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना खोला गया। 1907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना के बाद से भारत के औद्योगिक इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से पहले उद्योगों का विकास धीमा था। अंग्रेज भारतीय बाजार को ब्रिटेन के उद्योगों के लिए खोना नहीं चाहते थे। भारतीय उद्योग केवल ब्रिटिश उद्योगों के उत्पादों की कमी को पूरा करने वाले थे। चीनी और सीमेंट ऐसे ही उद्योग थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में परिस्थितियां बहुत बदल गईं।
युद्ध के कारण समुद्री मार्ग से वस्तुओं के परिवहन में बाधा पड़ती थी। अतः एक उदार नीति अपनाई गई जिसने औद्योगिक विकास को प्रेरित किया। इस्पात, चीनी, सीमेंट, कांच, औद्योगिक रसायन और इंजीनियरिंग का सामान बनाने वाले उद्योगों की स्थापना की गई। इस अवधि में पहले से स्थापित उद्योगों का भी काफी विस्तार हुआ। युद्धोत्तर मुद्रास्फीति और 1947 में देश के विभाजन का उद्योगों पर, विशेष रूप से जूट और सूती वस्त्र उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। स्वातंत्र्योत्तर औद्योगिक विकास। स्वतंत्रता के समय भारत का औद्योगिक विकास मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तक ही सीमित था। मुख्य उद्योग थे सूती वस्त्र, चीनी, नमक, साबुन, चमड़े की वस्तुएं तथा कागज। कोकिंग कोयला, सीमेंट, इस्पात, अलौ धातुएं, रसायन जैसी मध्यवर्ती वस्तुएं बनाने वाले विनिर्माण उद्योगों की प्रगति धीमी थी। पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग बहुत पिछड़े हुए थे। 1948 में एक औद्योगिक नीति लागू की गई। इसमें औद्योगिक नीति की रूपरेखा को स्पष्ट किया गया था। इसके अनुसार उद्यमी और सत्ता दोनों के रूप में राज्य की भूमिका निर्धारित की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही औद्योगिक प्रक्रिया शुरू हुई जो बाद की योजनाओं में भी जारी रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में उद्योगों की विद्यमान क्षमता के पूर्ण उपयोग पर मुख्य जोर दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अनेक उद्योग लगाए गए थे। देश में प्रथम योजना के दौरान पहली बार इन वस्तुओं का निर्माण किया गया। अखबारी कागज, कैल्शियम कार्बाइड, पेनिसिलिन, डीडीटी, धुनाई मशीनें, स्वचालित करघे, इस्पात के तारों के रस्से, जूट कातने के फ्रेम, गहरे कुओं के लिए टरबाइन पंप, मोटर तथा उच्चतर क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर। ।1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के द्वारा अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को सामरिक महत्व की भूमिका सौंपी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में पूंजीगत तथा वस्तुओं का उत्पादन करने वाली मशीनों को बनाने वाले उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। इस योजना के दौरान उद्योगों का विकास और विविधीकरण उल्लेखनीय था। सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात के 3 नए कारखाने लगाए गए। बिजली के भारी सामान और भारी मशीनी उपकरण उद्योगों तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की विभिन्न शाखाओं की आधारशिला रखी गई। रसायन उद्योग ने अत्यधिक प्रगति की। यह प्रवृत्ति अगली योजना में भी जारी रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना और बाद की 3 वार्षिक योजनाओं में औद्योगिक विकास की गति में बाधाएं आईं। ये बाधाएं 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और 1965 से 67 में भयंकर सूखे के रूप में आई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के दौरान औद्योगीकरण में असंतुलन को दूर करने के प्रयास किए गए तथा निर्यात के लिए
वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया तथा निर्यात के लिए वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया ताकि और अधिक औद्योगिकरण हो सके तथा और अधिक निर्यात किया जा सके। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में निर्यातोन्मुख वस्तुओं के उत्पादन तथा जन उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया गया। इसी समय पेट्रोलियम की कीमतों में भारी तेजी से न केवल भारत में अपितु पूरे संसार में आर्थिक संकट पैदा हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया गया। उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने असाधारण प्रगति की। देश में लघु कंप्यूटरों, सूक्ष्म संसाधित्रों अर्थात प्रोसेसरों, संचार उपकरणों, रेडियो प्रसारण और दूरदर्शन प्रसारण उपकरणों आदि का उत्पादन होने लगा। बिजली के उपकरणों, मोटर वाहनों और मशीनी उपकरण बनाने वाले उद्योगों की प्रगति भी संतोषजनक थी। 1985 से 90 सातवीं पंचवर्षीय योजना से एकीकृत औद्योगिक नीति अपनाई गई। इसके अनुसार देश के विशाल घरेलू बाजार और निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखकर उद्योगों का विकास किया गया। 1991 की नई औद्योगिक नीति में उदारीकरण के अनेक उपायों की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के दौरान औद्योगिक क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बहुत प्रोत्साहन दिया गया। उदारीकरण की नीति के प्रमुख उपाय इस तरह से थे। निवेश संबंधी बाधाएं हटा दी गईं, व्यापार को बंधन मुक्त कर दिया गया, कुछ क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी आयात करने की छूट दी गई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थात विनियोग की अनुमति दी गई, पूंजी बाजार में पहुंच की बाधाओं को हटा दिया गया, औद्योगिक लाइसेंस पद्धति को सरल और नियंत्रण मुक्त कर दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के सुरक्षित क्षेत्रों को घटा दिया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चुने हुए उपक्रमों का विनिवेशीकरण किया गया अर्थात इन्हें निजी कंपनियों को बेच दिया गया। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर संजय कुमार, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन